नोकिया 865 में दुनिया की नंबर वन मोबाइल कंपनी कहलाती थी, लेकिन अचानक से बर्बाद हो जाना हर किसी को शॉक में कर दिया था। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इतनी बड़ी कंपनी बर्बाद हो गई। नोकिया 865 में फिनलैंड में स्थापित हुआ था। देखते ही देखते नोकिया कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे बड़े बड़े बिजनेस स्टार्ट करने लगा। नोकिया पहली बार मोबीरा नाम के एक टेलीफोनिक कंपनी को खरीदा। स्टार्ट जर्नी नोकिया ब्रांड। फर्स्ट टाइम नोकिया ने 1982 को कार फोन लॉन्च किया था। उसका नाम नोकिया मोबीरा सेंटोर था। उसका वेट 10 kg था। उस टाइम ज्यादा नहीं, सिर्फ ठीक ठाक ही बिजनेस किया। फिर नोकिया ने अपना और नया नोकिया मोबीरा टॉकमैन नाम का ट्रांसपोर्टेबल फोन लॉन्च किया, जो अपने साथ कहीं भी कैरी कर सकते थे। उसका वेट 5 kg था। फाइनली नोकिया ने कमाल किया। 1987 में नोकिया मोबीरा सिटी मैन नाम के एक फोन लॉन्च किया, जिसका वेट सिर्फ 800 ग्राम था। ये फोन उस टाइम पे मार्केट में तहलका मचा दिया। ये फोन इतना चला कि नोकिया का नाम नीचे से ऊपर की लेवल तक आ गया। 1991 में इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर हैरी होलकर दुनिया का पहला इंसान बन GSM कॉल किया, वो भी नोकिया के फोन से। ऐसे ही नोकिया कुछ नया फोन बनाते गया, जो कि उस टाइम अच्छा खासा चल रहा था। 1994 में नोकिया ने 2000 सीरीज का मोबाइल फोन बनाया, जो कि उस टाइम बेस्ट लुकिंग एंड फ्यूचर मोबाइल माना गया। ये फोन तो मार्केट में कमाल ही कर दिया। नोकिया का टारगेट था 4 lakh मोबाइल हैंडसेट बेचने का, लेकिन नोकिया ने उस साल 2 crore मोबाइल हैंडसेट बेचे, जो कि बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड था। उस साल नोकिया ने 1990 तक 40 मिलियन हैंडसेट सेल करने का प्लान बनाया, लेकिन समय के चलते मार्केट भी बहुत ग्रो कर रहा था। 1999 तक नोकिया 40 मिलियन का सोच रहा था, लेकिन मार्केट 250 मिलियन का हो गया था। उस टाइम नोकिया ने मोटोरोला जैसे बड़े बड़े ब्रांड को पीछे छोड़कर दुनिया की नंबर वन मोबाइल कंपनी बन गई थी। 1995 से 1997 तक नोकिया ने लगभग सारे कंट्रीज को कैप्चर कर लिया था। फिर नोकिया ने छोटे नए नए फोन बनाते गए। नोकिया हमेशा तो 20 मोस्ट सेलिंग मोबाइल में आता ही था। 2003 से 2004 तक नोकिया कंपनी इंडिया में 70% मार्केट को कैप्चर कर लिया था। उस टाइम पे नोकिया का 1100 और 1110 का मोबाइल बहुत ही फेमस हुआ था। 2008 तक नोकिया ने 450 मिलियन हैंडसेट बेच के दुनिया का नंबर वन मोबाइल कंपनी बन गया, और उसके साथ साथ बहुत ही सारे रिकॉर्ड बनाते गया। बिग मिस्टेक ऑफ नोकिया। लेकिन इसमें नोकिया ने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी। एडवांस में बहुत सारे मोबाइल मैन्युफैक्चर किया था, करते जा रहा था, लेकिन समय के चलते मार्केट में और भी सारे मोबाइल कंपनी मार्केट में आ चुके थे, जैसे सैमसंग, शाओमी, ओप्पो, वीवो, बड़े बड़े ब्रांड्स। नोकिया ने टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं कर पाए। वो अपने ऑलरेडी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को बेचने लगा, वो उसी में बिजी था। वही दूसरी ओर दूसरी कंपनियां अपने आप को लेटेस्ट बनाते गए। फिर और एक नोकिया की मुसीबत आई। अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज में गूगल का एंड एंड्रॉइड का एंड एप्पल फोन का जमाना हो चुका था। इधर इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज में सैमसंग और मोटोरोला कुछ नए फ्लिप फोन्स निकालने लगा, जो कि लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा था। 2009 से आउट ऑफ द कंट्री एप्पल एंड एंड्रॉइड बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा था। फिर क्या, धीरे धीरे दुनिया भर में एंड्रॉइड और एप्पल ले रहे थे, क्योंकि एप्पल और एंड्रॉइड में नए नए ऐप देने लगे, क्योंकि अपने हार्डवेयर में बिलीव रखता था और दूसरे कंपनी सॉफ्टवेयर में। दूसरी कंपनी एंड्रॉइड से पार्टनरशिप करके एंड्रॉइड फोन मैन्युफैक्चर करने लगे। दूसरे मोबाइल कंपनी के शेयर मार्केट में बढ़ने लगे और नोकिया के नीचे गिरने लगे।
सब कुछ होने के बाद भी नोकिया अपने पार्टनर सिम्बियन ओएस के भरोसे चल रहा था। आगे चल के नोकिया की ऐसी हालत हुई कि डेली कुछ कुछ एम्प्लॉयज को निकालना पड़ रहा था। सब कुछ हो जाने के बाद नोकिया ने सोचा कि अपना सीईओ मिस्टर ओलिपेका कैलेसियो का सर्विस ठीक नहीं है। फिर नोकिया ने एक नए सीईओ को लाया, उसका नाम स्टेफन इलोव था। मिस्टर स्टेफन ने कुछ करने का सोचा जो कि बिल्कुल सही था, लेकिन उनका डिसीजन बिल्कुल गलत था। उन्होंने एंड्रॉइड से पार्टनरशिप नहीं करके माइक्रोसॉफ्ट से पार्टनरशिप किया, जो नोकिया को बर्बाद होने की असली वजह है। माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल के लिए बिल्कुल ही अनफिट था, लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। एंड्रॉइड नए नए ऐप के साथ नए नए अपडेट लाता रहा और एंड्रॉइड बहुत ही बड़ी कम्युनिटी बन गई थी। उधर नोकिया माइक्रोसॉफ्ट से हाथ मिलाकर अपनी बर्बादी देख रहा था। धीरे धीरे एंड्रॉइड और एप्पल को लोगों ने अपना के नोकिया को भूलने लगे। दोस्तों, ये था नोकिया की बर्बादी का असली वजह।